وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله تعالى دي حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 12 ربیع الاول 29 ستمبر سن 2023 کا خطبہ حالات اور مناسبت اعتبار نال وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے ہوئے گا نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیو جنہاں نو رنگ توحید چڑھیا انہاں شرک دے نیڑے جامنا کی جنہاں وچ ایمان دی ہووے رتی انہاں غیر دی نظر نو کھامنا کی صفدر کول ہووے جدے دین کامل انہیں جشن میلاد منا منا کی 12 ربیع الاول کو گودے عائشہ میں وفات پا گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو محمد گودے عائشہ میں وفات پا گئے شیطان نے خوشیاں منانیاں صحابہ پہ غم چھا گئے بارہ ربیع الاول دا دن او دن ہے جس دن دے اندر
इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया तो रहलत फरमाई है। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम दी वफात दा दिन किसे ते मख्फी पोशीदा नहीं रखिया। सारी उम्मत का इतफाक है कि आप 12 नू फौत होए। जिस चीज के उत्ते इख्तिलाफ नहीं उहदे ते बहस नहीं होंदी। वलादत के उत्ते इतफाक किसे एक जमात का भी नहीं। मतलब तारीख वलादत ते एक जमात का भी आपस विच इतफाक नहीं। वलादत का कोई काफर भी मुनकर नहीं, लेकिन तारीख उत्ते इतफाक किसे एक जमात का भी नहीं। मैं दूसरिया जमातों की बात नहीं करता, सिर्फ एक बरेलवी मसलक की बात अर्ज करना। वो इस वास्ते मेरी मजबूरी है कि हकीकत नू बयान करने वास्ते, चूंकि ये जमात 12 रबीउल अव्वल नू जश्न मनाती है, ना मन मनाने वालिया नू गुस्ताख बेअदब कहती है। मैं इस वास्ते ये बात करने वास्ते मजबूर हाँ कि मेरे भाइयो, जब इस दिन की वलादत ते इतफाक ही नहीं ते केड़ा दिन मनावा दे। अहमद रज़ा खान बरेलवी उन्हां दे मुतल्लक इन्हां दा ये अकीदा है कि जेड़ा उन्हां दी गल नहीं मनदा वह काफर है, क्योंकि उन्हां दी कलम खता नहीं करती, गलती नहीं करती। अच्छा जी, अगर उन्हां दी गल ना मनन वाला काफर है, उन्हां दी कलम खता नहीं करती, ते ओ कहिंदे ने कि मेरी ताकीक है कि नबी करीम 8 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए। फिर ओही अहमद रज़ा कहिंदे ने पै के गौस दी नज़र लोहे महफूज ते हुंदी है, ते शेख अब्दुल कादिर जिलानी नू गौसे आजम कहिंदे ने। ओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहिंदे ने अपनी माया नाद किताब गुनिया तो तालिबीन अंदर के नबी करीम 10 मुहर्रम नू पैदा होए। अगर अहमद रज़ा का कलम खता नहीं करता सच्चे, उन्हां दा ये लिखना सच्चे कि गौस दी नज़र लोए महफूज ते वे, ते फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लोहे महफूज ते लिखिया ही पढ़ के दस्या ना कि नबी 10 मुहर्रम नू पैदा होए ने। फिर अहमद रज़ा की अपनी तहकीक भी लोहे महफूज ते लिखी हुई तहकीक के खिलाफ हुई ना। ओ फिर 8 किवें आंदे ने पे, मेरी तहकीक पर लोहे महफूज ते लिखी 10 मुहर्रम के खिलाफ एदी तहकीक किवें हो गई। फिर मेरे वीरो, ना ये बरेलवी भाई अपने इमाम अहमद रज़ा दी मनन, ना लोहे महफूज ते लिखे हुए पढ़ के शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी गल ते एतबार करन। अगर वो फतवा सही है कि अहमद रज़ा दी ना मनन वाला काफर है, तो लोहे महफूज ते लिखिया होया ना मनन वाला मुसलमान किवें रह सकता। ये मनाते पे ने 12 नू, ना ये 10 नू ते ना 8 नू मनाते ने पे। ये 12 नू दसो ना लोहे महफूज ते लिखे ते एतबार है, ना अहमद रज़ा ते इन्हां दा एतबार है, 12 नू मना रहे ने।
फिर कहते ने जी नबी ने खुद मिलाद मनाया है, मनाया नबी ने रोजा रख के वे रोजा नबी करीम ने रखिया बवजह अपने दिन संवार दे ते संवार हर नू नबी रोजा रखते सन, हर संवार नबी करीम रोजा रखते सन, क्या हर संवार पैदा होते सन? जे ते दिन दी दलील दिती जाए कि संवार दा दिन है लिहाजा मनाना चाहिए तो अज केड़ा दिन है भाई? तो फिर अज ते नाना बनया लेकिन अज मनाया जा रहा है। ईद वाले दिन रोजा नहीं और रोजे वाले दिन ते दलील है संवार दा दिन पदायश दा ते अज की है जुमा। जे दिन दलील बनान ते अज संवार नहीं ते जे तारीख बनान ते फिर वो संवार नू बारह नहीं बननी, लिहाजा किसे एतबार नाल भी ये मनान वाली गल है ही नहीं। ये बातां ने जरूरी अकीदे ईमान दियां बातां ने, उलमा ने अपने अपने मिजाज के मुताबिक मुतालिया के मुताबिक सोच फहम फिकर के मुताबिक गल्लां करनियां ने, लेकिन जो अकैद का इख्तिलाफ है बुनियादी साडा इख्तिलाफ है इन्हां भाइयां नाल उहनूं समझना जरूरी है। वफाते मुस्तफा दे शेर मैनू भी आउंदे ने, गम दियां बातां मैं भी करांगा, तुसी रोवोगे रो के चले जावांगे, लेकिन मैं कुछ हकीकत असूली अकैद नजरियात भी अर्ज करना चाहना कि जिदे नाल तुहानू ये पता चलता है कि हकायक क्या ने। इंसान दा अकीदा ईमान की होना चाहिए, इस बात नूं अगर असी समझांगे तो सारियां बातां हल हो जाणगियां। छुट्टी पहले 12 वफात दी हुंदी सी, लोकां ने ताना मारिया यार मजहबी राह नमाज दे उत्ते कदी किसे भी गरोह ने खुशी नहीं मनाई के फौत हो गया ते खुशियां मनाओ। ईसाई भी अगर मनाते ने तो मिलादे मसीह मनाते ने, वफाते मसीह तो नहीं मनाते। तुसा ये की काम किया तो इन्हें उस वक्त बरतानिया की गौरमेंट के दौर विच गौरमेंट के गैजरट कागजात के अंदरों मिलाद का लफज कट के वफात का लफज कट के मिलाद का लिखा दिता, वफात का लफज कट के मिलाद का लफज लिखाया। अच्छा दिन तो वो ही 12 ही रहा, वफात का कट के मिलाद का लिख दिता है दिन वो ही रहा है, फर्क कोई नहीं। वो दे अंदर लिखा है मशायखे नक्शबंद सफा नंबर 10 नूर बख्श तवक्कली दी कोशिश नाल एक काम होया और उस 12 वफात दी गलती नू 12 मिलाद अंदर तब्दील कराया। मैं कहना वीरो पहला 12 वफात वाली भी इन्हां गलती कीती दिन मनान वाली, हुण उस तो बाद 12 मिलाद मनान वाली भी पहला वफात मना मना के गलती करते रहे ते हुण मिलाद मना मना के, क्योंकि वफात वाले दिन मिलाद का तुक नहीं बनता। इस एतबार नाल दोवे ही गलतियां ने। साडे ते इतराज करन वाले जदों बिदत की तारीफ करते ने ना, तुहाडे गुजरां वाले ते मारूफ आलम गुजरे ने MPA, उन्होंने अपने जिक्र बिल जहर ते रिसाला लिखिया या उन्हां दा अमल सी मुफ्ती गुलाम फरीद हज़ारवी,
मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादक साहब उन्होंने इतराज किया यह बिदत है। उन्होंने अगो अपने रसाले च गुलाम फरीद हज़ारवी ने लिखा कि जे मेरा जिक्र बिल जहर उची करना बिदत है तो फिर कुल साता ग्यारहवीं चालीसवां और मिलाद का जलूस सब कुछ बिदत है। दोवे चोर पकड़े गए ना, दोवे चोर पकड़े गए। मेरे वीरो शायद तुहानू ये कोई गल्ला ना दसे, बाहर हर हर अपने ईमान का सबूत पेश करता है। मेरी एक मजबूरी है कि मैं तुहानू हकैक अर्ज करा। मैं कोई सबका दौर देखिया है, मैनू अजे कुछ कदर है हकैक दी। मैं कोई रवायती मौलवी नहीं कि जो किसी ने कह दिता वो सुन के अगे लोगों तक बात पहुँचा दी, दाद ले ली, पैसे ले ले, लोगों को खुश कर लिया। नहीं, मैं समझना कि मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं तुहानू असल हकायक तो आगाह करा। तो मैं अर्ज करता था पिया कि वफात का लफज कट के मिलाद का लिखण के नाल हकीकत बदल नहीं सकती। ना बदलन नाल ते हकीकत नहीं ना बदलती। पहला ने कोई कंजर आते होंगे सन, फिर गुलूकार कहन लगे, सटार कहना शुरू कर दिता है जी, समझ आई। अदाकार बड़े बड़े ना क्या उन्होंने हकीकत बदल जाएगी। शराब का नाम विस्की रख के तो की ख्याल है हकीकत बदल जाएगी। जना का नाम मुहब्बत रख के हकीकत बदल जाएगी। या मौलवियों को पता नहीं कि जो मर्जी करते रहोगे तुम मौलवी पहचान नहीं सकनगे। मेरे वीरो हकीकत सामने आ जाती है, भावें किन्नियां खल्लां बदल बदल के चेहरे सामने आउन। तवज्जो की जरूरत है। इंशाला बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश करांगा एक मुकदमे की सूरत। जब जब किसी भी मसले ते तनकीन आना होए उस वक्त तक उस मसले की समझ नहीं आती। शेर शार पांच सात पढ़ के बाबा बाबा करके या चार अथरू गिरा के मैं भी तुहानू घर कर सकना वा। अल्लाह का फजल है, आवाज भी है, शेर भी ने, अंदाज भी है, सब कुछ आता है। लेकिन मैं ये चाहना कि कम अज कम तुहानू अकायदा ते पता चले कि साडा फर्क किस बुनियाद ते वे उन्हां लोगों नाल। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतलक ईमान अकीदा इंसान दा रखना फर्ज है। अगर वो अकीदा ईमान ना रखे वो मुसलमान नहीं, वो दायरा इस्लाम तो खारज है। की अकीदा है? अकीदा यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ने, बशर ने, औलाद आदम ने। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत आला है, एवं आप दी वफात भी आला है। जरा तवज्जो फरमाया, जे शायद तुसा जिंदगी के अंदर यह अंदाज ना सुनिया होवे। मेरे वीरो, सिर्फ तुहानू जगाना इस वास्ते आ कि तुहाडे ज़हन अंदर ये बात बैठ जाए। मैं मेहनत करके आया, मेरी बात ते गौर फरमाना। जिस तरह ये वलादत मनना फर्ज है, अगर वलादत ना मनांगे तो नबी औलाद आदम विच शुमार नहीं होएगा। कोई नहीं ध्यान, कोई नहीं ध्यान। ते जे औलाद आदम विच शुमार होएगा तो फिर मौत ते यकीन लाना फर्ज होएगा। ये अल्लाह का कानून ते ज़ाबता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत का कानून जिन इंसान दोनों ते लगेगा। जिस तरह नबी करीम दी वलादत आला है, इसे तरह नबी करीम दी वफात भी। क्यों? दलील कानून।
अल्लाह ताला ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ओला, ऐ मेरे नबी तेरा हर आन वाला दिन पहले दिन नालों आला है। ये अल्लाह का एक ज़ाबता है, अल्लाह का कानून है, एदा इनकार नहीं किया जा सकता। कितना जुलम है कि लोग वलादत ते मनते नहीं, लखा नहीं करोड़ा रुपया भी ओदे ते खर्च करते ने, कुर्बानियां हो रही ने, केक काटे जा रहे ने, बाजार सजाए जा रहे ने, झंडियां लगाईयां जा रही ने, मकान बिल्डिंगा मस्जिदां सजाईयां जा रही ने। जी वलादत, अच्छा जी मान लिया जी वलादत हो, वलादत किदी हुंदी है जी? इंसान दी जिन दी नूर जड़ा है वो रब डायरेक्ट तखलीक करता है, ओदी वलादत नहीं हुंदी। कोई नहीं समझ आई? नाले नबी दी वलादत है, नाले आमना माई है, अब्दुल्ला बाप है, नाले नूर है। इधरों औलाद आदम भी मनी जा रहे ने, नूर भी मनी जा रहे ने, दोवे जिनसा कठिया किवें हो सकदिया ने? जे नबी नूर है ते औलाद आदम, ते जे औलाद आदम है ते फिर नूर, क्योंकि एक जाबत है नूर जेड़ा है फरिश्ते ने, उन्हां दी कोई मौत नहीं, कोई कबर, कोई जनाजा, कोई ब्याह, कोई शादी। फिर कहते ने अल्लाह दे नूर विचो नूर है, क्यों भाई? फिर तो वैसे ही शिरक हो गया। जेड़ी रवायत पेश करते ने जी, वो अल्लाह दे नूर विचो मुहम्मद का नूर, फिर मुहम्मद दे नूर विचो अगो सब कुछ, ते जो कुछ भी है फिर उस नूर विचो, ते फिर मुहम्मद का फर्क ही रह गया, फिर अभी सारे ही नूर हो गए, फिर अभी सारे अल्लाह का हिस्सा आ गए। पर रोज मरते भी जा रहे हैं और अल्लाह का हिस्सा भी किया जा रहा, अल्लाह हवाला वाला हुआ था यह अकीदा ईसाइयों का। ईसा नूं अल्लाह का बेटा भी कही जा रहे ने, सूली भी मनी जा रहे ने, ये मुसलमान नूर भी मनी जा रहे ने, कबर भी मनी जा रहे ने, बाप भी मनी जा रहे ने, बेटा भी मनी जा रहे ने, खामद भी मनी जा रहे ने, सुसर भी मनी जा रहे ने। बड़े अदब नाल कुछ मसला समझाने की कोशिश करना चाहना। मोहब्बत है मुहम्मद नाल किसे नु इख्तलाफ नहीं कि सानू मुहम्मद रसूल नाल मुहब्बत नहीं, लेकिन असि आने झंडियां बाजार सजाने, गलियां सजानियां, ए देगा पका के बंडनिया, ये मुहब्बत नहीं। जिस दिल में उल्फत मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु, जिस दिल में उल्फत मोहम्मद नहीं है, समझ लो कि किस्मत में जन्नत नहीं है। भटकता रहा है भटकता रहेगा, मोहम्मद से जिसको अकीदत नहीं है, करे जो अताअत मोहम्मद की दिल से, उसे पीर मुर्शद की हाजत नहीं है। मोहब्बत का दावा, मोहब्बत का दावा मोहम्मद नाल, तकलीद अबू हनीफा दी। मोहब्बत मोहम्मद नाले ते नमाज हनफी, मोहब्बत मोहम्मद नाले मजहब हनफी, मोहब्बत मोहम्मद नाले फिका हनफी, मोहब्बत मोहम्मद नाले मस्जिद हनफी,
ये मोहब्बत है कि मुनाफ़क़त है? मेरे वीरों मैं अर्ज करना चाहना, मैं कहना जेड़ा इस रब के ज़ाबते कानून नू नहीं मनदा और सब तो बड़ा मुहम्मद का गुस्ताख है, रब के ज़ाबते ते कानून का भी मुनकर है, क्योंकि कानून यह है सुम्मा अमाता हू फा अकबरा। रब ने जेड़ा इंसान मट्टी चो पैदा किया है, ओदे वास्ते निजामे कबर ते वापस लौटाण दा फिर इहदे तो उठाण दा निजाम कायम किया है। फतावा अफरीका अहमद रजा दा मदीना पब्लिशिंग कराची तो लिखिया, छोटे सैद दा 100 सफा ओदे ते लिखिया, मिना खलकना कुम वफीहा नुई तो कुम व मिनहा नुखर जो कुम तारतन उखरा। अल्लाह का यह ज़ाबता ते कानून है कि रब ने जिस मट्टी चो इंसान नू पैदा किया है उहदे विच दोबारा लियावेगा ते इहदे तो ही फिर उहनू उठाएगा। अल्लाह ने मुहम्मद अबू बकर ते उमर नू एक मट्टी चो पैदा किया है, सिवा ते मदीने तीनों एक जगह ते जमाने ते उहनां नू उत्थों ही अल्लाह फिर क़यामत नू उठाएगा। मट्टी तो लफज मट्टी का लिखा है, वो नूर वाला कीदा खत्म हो गया ना, बच्चा बच्चा नूर का तेरा सब कराना, अकीदा खत्म हो गया कि ना हो गया? मेरे वीरों मैं तजाद दसना तेना दे अकीदे दसना पे, एक बयान करते ने दूजा खत्म हो जाता है, बंदा अकल वाला होवे ते उत्थे ही समझ जाता है। रब ने ज़ाबता ते कानून बनाया जिवें मुहम्मद की वलादत आला है इवें नबी की वफात भी। नबी ने अपने जुमले आखरी कहने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। लोगो तुसी हदीस ते बड़िया मौलवियां कोले सुनिए, पर इहदे विचों मैं नबी दी मौत आला दा अखज़ कर रहा। मेरे नबी कह रहे ने अपनियां बीबियां नू अपनी बेटी सजदा फातिमा नू बुला के कोल, मेरे ते वक्त आ गया है ते मैनू रब ने इख्तियार दे दिता है इत्थे रहना ही के मेरे पास आना ही। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, मैं आला रिफाकत चाहना वा ते आला रिफाकत मौत दे जरिए ही आएगी। मेरे मुहम्मद ने फरमाया लोको अगर मैं चाहता दुनिया दे उत्ते कोई रफीक बनाना चाहता सदीक नू बनाता, लेकिन वो रफीक मैं सदीक नू भी नहीं बनाया जेड़ा रफीक मैं रब नू बनाया। अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, ए रफीक आला उहदे मुकाबले विच आ गया है, सदीक भी रफीक आला दे मुकाबले विच नहीं, मैं रब दी बात नू इख्तियार करांगा। फाहमे हदीस फाहमे कुरान इहदे ते नजर नहीं मेरे वीरां दी, समझदे नहीं। नवियां नवियां टूना नवें नवें आवाज नवें नवें अंदाज ते नवें नवें तरीके आ गए ने, मौसीकी दा अंदाज लोग सुनना चाहते ने। हकीकत क्या है मेरे वीरो, आओ दरारत करना चाहना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते ही नहीं, रब ने तमाम नबियां वास्ते कानून बनाया है कि इन्हां नबियां दी मौत भी आला है, इन्हां दी वलादत भी आला है। जेड़े नबी आला ने उन्हां वास्ते हर कानून भी आला है। मौत अगर तोहीन होंदी ते रब नबियां ते तोहीन वाला कानून कदी भी लागू ना करदा। लोग ईद कह के मनाई जा रहे ने, मौत नू तोहीन समझी जा रहे ने, ओ मौत समझते ही नहीं। ओ अंदरे का आन दी आन वास्ते वादा इलाहिया पूरा होण वास्ते मौत आ गई। बुदू करावो बुदू करावो बुदू करावो, जगह बदल लवो। ये भी हदीस मैं तुहानू सुनाना पिया, आ जिहड़ी नींदर आंदी है ना ते बंदा बुदू कर लैंदा जगह बदल लैंदा है।
ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨ ਦੀ ਆਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਸਦੇ ਖਾਕੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਉਹ ਆਨ ਦੀ ਆਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਜਰ ਆਏ, ਅਨਸਾਰ ਆਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਰੂਦ ਉਹ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੂਦ ਉਹ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਲੋਕੋ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ, ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹਵਾਸ ਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਤਰਾ, ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਹੀ ਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਸਮਝੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਖੁਦ ਬਾਰਸ਼ਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਗੋ ਸੁਲੋ ਮਨ ਕਾਨ ਮਿਨਕੁਮ ਯਾਬੁਦੁ ਮੁਹੰਮਦਨ ਫਇਨਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਦ ਮਾਤ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਕਾਨ ਮਿਨਕੁਮ, ਮਨ ਕਾਨ ਮਿਨਕੁਮ ਯਾਬੁਦੁ ਮੁਹੰਮਦਨ ਫਇਨਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਦ ਮਾਤ। ਐ ਬਾਰਾਂ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ, ਉਮਰ ਹਵਾਸ ਖੋ ਬੈਠਾ, ਸਦੀਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹਾਬੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦੀਕ ਦਾ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਦਾ ਦਮਾਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇਮਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾਨ ਮਿਨਕੁਮ ਯਾਬੁਦੁ ਮੁਹੰਮਦਨ ਫਇਨਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਦ ਮਾਤ। ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਮਨ ਕਾਨ ਯਾਬੁਦੁਲਾਹ ਫਇਨਲਾਹ ਹਯੁਨ ਲਾ ਯਮੂਤ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਦੀਕ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦ ਮਿਰ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।
रब ने फरमाया सोनिया ठीक है तू मरदा जवाना बालगा जो किसी का बाप नहीं, लेकिन मैं तेरी रूहानी औलाद नी बना देंगा, एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिदे विच तेरा जिक्र ना करते होंगे। वारा फा ना लगा जिक्र का मैं तेरा जिक्र बुलंद कर देंगा। जिहड़ी आयत आले इमरान दी 144 नंबर तुहाडे सामने पड़ी गई है, ओदा भी असल मतलब ये शान नज़ूल है ये कि ओहदे मैदान दे अंदर काफरां ने फवाह उड़ा दिती कि मुहम्मद मारे गए ने, कतल हो गए ने। आसमान तो आवाज आ गई, जेड़े कमजोर कमजोर लोग सन वो कहन लगे कि मुहम्मद ते मौत नहीं सी आनी, जे आ गई ते हो सकता है सच्चे ना ही हो भी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कन्या दे दिल विच ख्याल आ गया ना, फौरन आसमान तो आवाज आ गई ये गल मुहम्मद दे बारे कहन वाले हो, पहले नबी जो सच्चे मने जे ते उन्हां सच्चियां ते भी ते मौत आई है कि नहीं आई, ते इस नबी नू मौत दी वजह तो क्यों झूठा कहिंदे हो कि जे सच्चा हुंदा ते मौत ना दी, जे इहदे वास्ते गल समझदे हो ते पहलियां नू क्यों नहीं झूठा कहिंदे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उन्हां नू जो सच्चियां कहिंदे हो, मतलब एक तर्ज़े कलाम है ना, उन्होंने जो सच्चिया कहते हो ये जुमला कहने ते जे वह सच्चे ही सन ते मौत भी आ गए तो सब मन लईए ते फिर ये किवें झूठा हो सकता है, वो झूठे नहीं ते ये भी झूठा नहीं। कुरान दा असूल है, फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, मुहम्मद नहीं मगर रसूल ने मौत दे खिलाफ है, रब दे रसूल दे खिलाफ मौत नहीं। सारे रसूल आए ने उन्हां ते मौत आई है, मौत अल्लाह दा कानून है, तोहीन नहीं अंबिया ते भी आई है। ऐसा गल समझना मेरे वीरो, जिदी वजह तो इन्ना इख्तलाफ होया, वमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबले ही रसूल, इस तो पहले गुजरे रसूल, उन्होंने तुसा सच्चिया मनिया बहुत भी मनीए, इनू सच्चिया क्यों नहीं मनते, इहदी मौत क्यों नहीं मनते, इस तो पहला रसूल गुजर गए ने। हुण मरज़ियां ने आख्या वेखो जी कद खलत मिन कबले ही रसूल, कुरान कहिंदा इस तो पहला मर गए, मर गए दा माना गलत है, मर गए माना गुजर गए, खलत दा मादा खलऊए अलहदा होना, गुजर गए वो मर गए माना इस तरह करते ने इस बात से कि ईसा भी मर गए ने, हालांकि ईसा अलैहि सलाम जिंदा ने। फरमाया के आफा इम्मा ता औ कुतिल इन्कलब तुम, हालांकि मरे नहीं मुहम्मद, सुनो सुनो मेरे वीरो, हालांकि मुहम्मद मरे ओहद उत्ते मरे, मौत नहीं आई, लेकिन रब ने मौत दा इनकार नहीं कीता, उन्हां दे इतराजात दा जवाब दिता है। मैं ते तुहानूं कुरान समझाना पिया, कुरान क्यों आया, रब ने जवाब की दिता है, इतराज की होया है, छड़िया की है, जवाब की दा दिता है। रब ने ए नहीं आख्या मरिया नहीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों भी है बे, रब ने फरमाया अगर मौत आ जाए, हाना आई ते नहीं ना, अगर आ जाए फौत इम्माता, अगर ये फौत भी हो जान, मारे भी जान, कत्ल कर दिते जान, क्या तुसी अपनियां एड़ियां दे बल मुहम्मद दे दीन तो वापस चले जाओगे? वमन यनकलिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुरल्लाह शैया वसयजज़ अल्लाहु शाकिरीन, जेड़ा
अपनिया एड़िया दे बाला इस दीन तो पट जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते ने असी हर एक नूं उहदे अमाल दे मुताबिक ही बदला देंगे। जिहड़े इस्तिकामत इख्तियार करनगे दीने मुस्तफा ते रहणगे उहनां नूं उहदा बदला दिता जाएगा, जिहड़े पलट जाणगे उहदा बदला दिता जाएगा। मौत का इनकार नहीं रब ने किया कि मुहम्मद नूं मौत नहीं आनी, बल्कि मौत दे दलायल दिते ने कि पहले भी आए ते मौत आई ते इहदे ते भी मौत आनी है। मौत का इनकार जे तुसीं सौ गए ते आवाम का की हाल होएगा। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है, किवें समझाया जाए। कानून इलाही नूं रद्द कर दिता है, मौत दे कानून नूं रद्द कर दिता है, कुरान दे कानून नूं रद्द कर दिता है। ते कहिंदे ने नहीं जी, एक आन दी आन वास्ते मौत आई है, मुहम्मद है नहीं जिंदा। असीं जिंदगी कबर विच वी उस रही मनने आ जिवें जिंदगी मौत तो पहला है। मुफ्ती मुहम्मद खां कादरी ये उन्हां दी किताब है, महफिल मिलाद पर इतराज का जायजा 97 सफा है। उहदे उत्ते लिखते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह जहरी आयात के अंदर सुनते सन, इसे तरह हुण भी कबर विच जहरी आयात विच जिवें सुनते सन हुण भी उस तरह ही कबर विच सुनते ने। ते सारे आकाम दुनिया वाले कबर ते भी लगते ने मुस्तफा ते। तरह तवज्जो फरमाया जी, अकीदा ईमान जे मौत ते जिंदगी का फर्क समझ लो, वफात ते मुस्तफा फर्क की है। जिंदगी दे अंदर मुस्तफा की अदालत लगती थी, मुस्तफा की हुकूमत होंदी सी, सजाई होंदियां सन, जमात कराते सन, नाफज करते सन हद्दां। हुण ओह ही मदीना है, ओह ही मक्का है, उत्ते दसो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनियावी अहकाम रखते ने ते फिर ओ नबी करीम बाहर निकल के जमात क्यों नहीं कराते, इमाम अलग क्यों रखा गया है। क्योंकि कुरान का कानून है मेरे वीरों, मैं कुरान समझना। अल्लाह फरमाते हैं इज़ा कुनता फीहिम फअकिमता लहुम सलाता, ऐ मेरे हबीब जदों तू इन्हां विच होवें इन्हां दी नमाज तू आप कराणी है। जिथे तू होवें उत्थे इन्हां दी जमात। अगर अपने अकाम नबी ते दुनिया वाले लगते ने फिर नबी जमात क्यों नहीं कराते, फिर नबी दे पिछे क्यों नहीं पढ़ते, फिर ए उत्ते जाके जमात दे वक्त ते लैटरीन च क्यों लुके रहिंदे ने। इन्हां नूं ते चाहीदा कम अज कम ए ते नबी दे पिछे होके किरे नमाज पढ़ लैन। क्यों भाई ये कहते नबी सुनते भी ने, वेंदे भी ने, नबी भी वेंदे ने, ये भी वेंदे ने, इन्हां नूं सारे नूं पता है। तो किरे वखरे आ नबी अलैहि सलाम नूं जमात कराउंदे आ, इन्हां वेखिया मक्के मदीने तो ये लक्कां ला के ते लैटरीनां च वड़ जांदे ने जमात दे वक्त। रब ने फरमाया तुहानूं इन्हां मक्के वालियां दी दुश्मनी दा इहो ही नतीजा मिलेगा कि तुसीं लक्कां ला के जाओगे तुहानूं जमात तों महरूम कर देंगा, लख नमाज दा सवाब नहीं मिलेगा, लैटरीनां दी बो ही तुहानूं संघावांगा। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ ਬਿਆਨ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਆਪਣੀ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਹਿੱਸੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਉਨ ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਵਾਦਾ ਇਲਾਹੀਆ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਏਕ ਆਨ ਕੀ आन के लिए मौत आती है, फिर उसी तरह ही जिंदा हो जाते हैं। यहाँ तक के खाते पीते नमाज़ा पढ़ते ने, उन्हां दियां बीवियां भी आंदियां ने, शबबाशी भी करते ने। और तीसरा हवाला मुफ्ती अहमद यार गुजराती जाल हक के अंदर लिखते ने, जदों असीं आने तुसीं जुआंदे हो नबी जिंदा है, फिर नबी पिछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। हाजर नाजर भी ने, नबी पिछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। अगो जवाब देंदा है अहमद यार गुजराती,
आंदा असीं नमाज नबी पिछे इस वास्ते नहीं पढ़दे कि नबी दी नफल ए साडी फर्द ए, फर्द नफलां पिछे नहीं हुंदे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओ उम्मती मुसलमान रह गया जिहदी नबी पिछे नमाज नहीं हुंदी। फिर जरा दो पॉइंट होर समझो, जे अहमद रज़ा की गल सची है तो मुफ्ती अहमद यार गुजराती गलत है, तो ये सही है तो फिर अहमद रज़ा की गलत है। वो कहता पिया मुफ्ती कादरी भी कहता कि अहकाम दुनियावी ने, जे अहकाम दुनियावी ने तो फिर फर्द नमाज होनी चाहिए कबर विच भी, तो फिर इन्हों के पिछे भी होनी चाहिए, इन्हों की फर्ज तो उन्होंने भी फर्ज। लेकिन वो कह रहे हैं कि फर्जा के पिछे अल्लाह साड़ी फर्ज है तो नबी की नफल है, इस बात से साड़ी नमाज नबी पिछे। हालांकि गल ये भी गलत है, अहमद रज़ा की भी गलत है, मुफ्ती अहमद यार की भी गलत है, अहमद खान कादरी की भी गलत है, और ये मौकफ भी गलत है। एक बंदा नबी नाल नमाज सहाबी पढ़ के कुबा विच जाके ते नमाज पढ़ाता सी कि नहीं सी, ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तू इन्हां नूं पढ़ा दिया कर, फर्ज ते नबी नाल पढ़ जांदा ते उत्थे जाके इहदी नफल ते उहनां दे फर्ज पिछे हुंदे सन कि नहीं। मेरे वीरों ये भी अकीदा गलत है। मैं कहना मैं ऐत कुरान की पढ़ीए, रब फरमाता जदों मेरे नबी इन्हां विच तू होवे उदों इन्हां दी जमात करावे। ये मेरा अकीदा है मेरे वीरों, अहले हदीस दी मुहब्बत ते अदब इहतराम दा तकादा है। जिथे होवे मुहम्मद हो ही नहीं सकता, जिथे होवे मुहम्मद हो ही नहीं सकता, मसले दे उत्ते खलो ही नहीं सकता। रब ने मेराज वाली रात सारे नबियां नू कठिया करके ए अकीदा साबित कर दिता कि जिते नबी होवे उतो आदम तो लैके ईसा तक कोई मसले ते नहीं खड़ा हो सकता। मौलवी दा अकीदा गलत है, कहिंदा नबी हाजर नाजर ने मसले ते आपे, नबी हाजर नाजर मिंबर ते आपे। मेरा अकीदा जिते नबी होवे नबी दी आवाज ना लो, आवाज उची ना करो। मैं कहना नबी जिंदा ते फिर दूर दी गल है, अज नबी दे रौजे ते भी जाओ, कबरे रसूल ते भी जाओ, ते कोई बंदा दरूद भी दूजे बंदे दा नहीं सुनता। अदबो एहतराम नाल दिल विच दरूद पढ़िया जांदा है, उची ना बोलिया जाए कि मुस्तफा नू तकलीफ ना होवे। ए अदबे मुस्तफा, रब फरमांदा है कि ऐसा करोगे तुहाडे अमाल बर्बाद कर दिते जाणगे। एक ऐसा मजहब है, ट्रालियां ते रेहड़ियां ते गड्डियां ते स्पीकर लगे ने, मौलवी साहब बोल रहे ने, नबी कित्थे वे? फिर कहिंदे ने आ गए नबी, आ गए। सारे एक बारी उठ पैंदे ने, किहड़ी मजलस च आए ने नबी? इत्थे आए ने, गुजरांवाले आए ने, मजलस होरे किन्नियां कु, हर गली गली च, हर घर में सुनिया। आका आते ने साढ़े घर भी हो जाइए चिरागा जा, हर बंदा यो ही आता, हर घर आ गए आ गए आ गए। आंदा भी हर कोई आ गए ने हर घर, आंदा भी हर कोई साढ़े घर भी हो जाओ, साढ़े घर भी हो जाओ। दो गलों की गल कि हर घर आए ने हर घर, साढ़े घर भी हो जाओ। जो तो साढ़े घर आए ने तो फिर एक ही आके साढ़े घर भी हो जाओ, मतलब है ही सारा झूठ। फिर गुजरांवाले आए ने, किहड़े शहर आए ने? पाकिस्तान में आए ने, होर दुनिया के ममालक भी ने। फिर मक्का किवें, मदीना किवें छड़ के आए ने? मक्के वाले दुनिया में सारी उत्थे जांदी है, नबी अलैहिस्सलाम इत्थे आए ने, किहड़े ज़रिए किवें आए ने? अवीरो खुदा का खौफ करो, कुछ अकीदा रखो, ईमान रखो। सलाम पहुँचाने वास्ते उत्थे जा रहे हैं दुनिया, ते जे नबी इत्थे आए ने किधरों आए ने, किवें आए ने? कबर फटी गई, चल के आए ने, जहाज से आए ने। ताहिरुल कादरी साहब ने कहा जी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो मेरी दावतकार, मैं तेरे मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखने वास्ते आना है, टिकट का इंतजाम तू करना है। मैं नारोबाल तकरीर में उसके जवाब में आख्या, मैं कहा भाई मैं मान लैना, क्योंकि मेरा अंदाज ही इस तरह का है, मैं ना भी मैं मान लैना कि ताहिरुल कादरी साहब ने इंतजाम टिकट का किया पर सानू ये दस दिन, ए टिकट का नंबर है, आ फ्लैट का नंबर है, ऐस टिकट ऐस फ्लैट से नबी करीम तशरीफ लिया है। क्यों भाई? नबी करीम ने जो कराया है कि फ्लैट टिकट मेरी का इंतजाम तू करना,
मैं मन लेना जी ना किया सू फ्लैट टिकट नंबर दे देन दलिया फलानी कंपनी की फलानी सीट नंबर है फलानी फ्लैट नंबर है आ टाइम है तो कितने वो लिया ने खाना किने। फिर मैं सवाल करना कि नबी करीम अकेले ने कि नाल भी कोई आए कि घर आए ने किने खाना खुआया किने किने वेख्या है। कोई कुरान हाथ में पकड़ के गल कह सकता कि नबी साढ़े घर आए ने असा वेख्या था खाना पकाया खाता नबी का सलाम क्या सहाबी बन गए ने। मेरे वीरो झूठ किन्ना कुछ चलेगा अल्लाह की कसम हदीस नू रब ने अकल दी है अकल होवे ते फिर झूठियां गल्लां नहीं तस्लीम कीतियां जा सकदियां। अजे साडा दिमाग कम करदा है असीं इहो जिहा फरहाट नहीं चलन देवांगे। मेरे वीरो नबी करीम अपनी वफात दे बाद ना तो हजरत आयशा कोल आए ने ना फातिमा कोल आए ने ना हसन हुसैन कोल आए ने ना अबू बकर उमर कोल आए ने ना उस्मान अली कोल आए ने ना सहाबा कोल आए ने। सय्यदा फातिमा छे महीने बाद इंतकाल फरमा गई ने एक बारी भी फातिमा के घर नहीं आए। अगर नबी ने आना हों बेटी फातिमा घर आँदे अगर नबी ने आना हों हसन हुसैन के सर ते आके हथ रख दे सदीक नू आके दलासा दें दे। ये खिलाफत का इन्ना जो रौला पिया है मुहम्मद बार आके कहते कि इस तरह कर लवो सलल अच्छा अंदर जाने तो पहले ही मुका जाते हाँ आखिर नबी बेंदे ने पै सारा कुछ हालात भी जानते ने। मेरे वीरो नहीं नहीं मैं होर गल कह अहमद सईद काजमी अहमद सईद काजमी पीर इन्हों का मकाला ते काजमी जिलद दो सफा चाली ते लिखता है जदों नबी करीम नू दफन करते सन पै ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिंदे सन रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। हुण तुसीं खुद अंदाजा कर लो कि उम्मती कैसा उम्मती है जिहड़ा नबी उम्मती उम्मती कवे ते ओह कबर विच दफन करके उत्ते मट्टी डालदा है। क्यों भाई ठीक है नबी उम्मती उम्मती कवे ते ओह मिट्टी डालदा है। अच्छा अगर ये गल मन्नी जाए तो फिर तीन दिन नबी करीम ने क्यों नहीं कोई जुमला बोलिया अपने घर में क्यों नहीं बोलिया चारपाई से क्यों नहीं बोलिया। ये जो कहते नबी कबर में सुनते ने नबी उतों भी वेंदे ने। मैं कहना मैं कबर की गल नहीं करता कबर बन गई है मिट्टी पै गई है। तीन दिन जो नबी पै रहे ने अपनी चारपाई से कोई कबर नहीं कोई उत्ते कुछ नहीं दुनिया जा रही है। नबी ने किसी को तीन दिन तक क्यों नहीं वेख्या तीन दिन तक किसी की गल क्यों नहीं सुनी समझ आई जे कबर वाले मैं कबर की गल नहीं करता पे चार पाई तीन दिन तक पई रही है रसूलुल्लाह दी तीन दिन तक किसी नाल गल तीन दिन तक किसी घर दे जी भी नहीं सुनिया कि रब्बे उम्मती नबी क्या वे अज किने सुन लिया कबर दे विच किन्ने सुनिया है बार दसिया किन्ने आके वे कौन सी दसन वाला सुन वाला कौन सी। मेरे वीरो मैं तुहानू इहो ही झूठ दसना चाहना वा कि अकीदा ईमान सोचो निरा शेरो शारी सुन के ना चलिया जाया करो फलाना मौलवी आया कमाल कर दिती है अकीदा समझो ईमान समझो मौत की है और रब का कानून की है। अंदर नबी कबर में भी नमाजा भी पढ़ते ने ओह जिंदगी वाले अकाम लगते ने। लोगो कुरान उठा दो बजुर्गों तुम सारे सुते हो यारो नींद में कोई नहीं सुनता पे तो मौत के बाद कि सुनता रब का कुरान है कानून है तुम यह जाबता सुनिया करो। लोग कहें कि शायद अपनी वड्याई बयान करता नहीं नहीं अल्लाह की कसम मैं वड्याई वाली गल नहीं करता ए कुरान मेरे हाथ के अंदर है। मैं तुम्हें यह अर्ज करना चाहना मैं रब के असूल कानून के जाबते दसना चाहना किन्ना किन्ना दी मुखालफत करते हैं रब का कानून तो जाबता ए वे बंदा सौ जाए तो सुते बंदे उत्ते नमाज फरज क्यों बई सुते बंदे ते नींदर मौत दी अल्लामा बेसमिका मूँह तो वाहिया नींदर मौत की भैन है। जब नींदर के नमाज नहीं तो मौत के बाद नमाज किवें आ गई आइए समझ
मैं अगे होर कुरान भी पढ़ देना मैं अल्लाह फरमा रे बाप उद रब्बा का हत्ता याद या कल यकीन ऐ कुरान अल्लाह दी कसम मेरे हाथ में बाप उद रब्बा का हत्ता याद या कल यकीन ऐ मेरे मुहम्मद ओना चिर इबादत करनी है जब तक तेरे ते मौत नहीं आती। मौत ते जिंदगी का फर्क ये वे जदों मौत आ जाए मामलात जिंदगी दे खत्म हो जाते ने। मौत के बाद भी आखी जाते नमाजा पढ़ते हैं रोजे रखते हैं वो मौत ही कह दी है मौत मौत ही कह दी है। मौत के बाद बोलना नहीं कूना नहीं आख कम नहीं करते अख कम नहीं करते कन नक कम नहीं करते हाथ पैर कम नमाज किमें पढ़ते नहीं समझ नमाज किमें पढ़ते नमाज वास्ते अरकान ने नमाज दे अगे मूसा नमाज पढ़द्या विखाया क्यों बी ए दलील दें और मैं क्या वो पढ़द्या पहली पढ़ी विखाई है पहली समझो समझो जवाब मौलवी हो तुम समझो नमाज पहला पढ़ी विखाई है कदों दियाँ वीडियो बनिया ने मौलवी कदों के मर गए ने वीडियो अज भी चल दया ने समझ गए हो कि नहीं तुहाडी वीडियो रिकॉर्ड हुई साल साल तक विखाई जा सकती है रब मूसा की नमाज नहीं विखा सकता। तो मैं अर्ज करना चाहना मैं कहता जी नहीं तुहानू के पता है साढ़े नबी जिंदा ने वो मेरे वीरो अधिया मुहम्मद का दीन जिंदा है नबी की सुनत जिंदा है नबी का तरीका जिंदा है कयामत तकर नबी दुनिया तो तशरीफ लै गए ने नबी का अज भी अदब उस तरह ही है जिस तरह नबी की जिंदगी बेच अल्लाह तबारक व तआला का एक कानून है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन दे हुंदे हां किसी दूसरे दीन की जरूरत नहीं किसी का कोई सिक्का नहीं चलेगा अज किसी नबी की गल नहीं चलेगी आदम तो लैके ईसा की गल नहीं चलेगी हजरात मुहम्मद रसूलुल्लाह दा दीन कयामत तक चलता रहेगा जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दीन वालों मुंह फेरेगा वह मुमिन मुसलमान नहीं रह सकता। रब ने अपने कुरान करीम के अंदर एक तरीका ते अंदाज दसिया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसनतुल लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़िक्रल्लाह कसीरन। तुहाडे वास्ते मुहम्मद दी जिंदगी नमूना है मुहब्बत का मियार है वे नबी की तरह उठो बैठो चलो फिरो खाओ नमाज पढ़ो रोजा रखो नबी दियां अदावां नूं इख्तियार करो। मुहम्मद नेमत ने दुनिया के अंदर रब दियां बेशुमार नेमतां ने सब तो आला नेमत मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो आला नेमत मुहम्मद लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन इज़ वसबीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम इन्हां दे रब ने एहसान फरमाया जदों इन्हां दे विच्चों इन्हां दे वास्ते रब ने मुहम्मद नूं रसूल बनाया। की बनाया हुण कुरान दा हुण वक्त नहीं मैं एक तरकीब करके दसा मन अल्लाह अलल मोमिनीन इज़ बाअसा फीहिम रसूला वाला दा वलादत दा एहसान नहीं रसूल दा एहसान है जिदा एहसान है वह मनदा नहीं जिहड़ा है ही नहीं उहनू मनाई फिरदा है नहीं समझ एहसान है रसालत दा नजात रसालत मनना आखे अबू लाब ने नहीं मनाई मैं गया अबू लाब ने मनाई है ते गया फिर भी है चाचा है अबू लाब छोले मारदा वजूद है सैयद मिलाद भी मनाई है पहला मिलादी जहन्नम विच गया रब फरमांदे ने तब्बत यदा अबी लाब तब ओए मिलाद मनाण नाल नजात नहीं होनी सीरत अपनान नाल नजात होनी है। मिलाद मनान वाला लाभ चाचा जहन्नम च गया है बलाल हबशी गुलाम सीरत अपनान नाल जन्नत विच गया है। मैं सीरत ते मिलाद दा फर्क दसांगा बहर हाल मैं अर्ज़ करना चाहना मेरे वीरो आप समझो इस गल नूं रब ने कुरान करीम दे अंदर जो असूल बनाए ने उन्हां असूलां दे अंदरों जिहड़े असूल ने उन्हां नूं समझो जदों मौत आ जाए ते मामलात सारे खत्म हो जांदे फिर नहीं
कुरान ने भी फरमाया तुसी सुन दे ना मौल पे आई ये जंबे न पोते लत ओ गल्ला कर दी जिंदी लड़की नू अगर दफन कर देंदे सन ते रब फरमांदा है पुछया जाएगा इनू जिंदा नू दफन क्यों कीताई है वे कुरान च दफन कर दिता फिर तुहानू ना पुछया जाएगा नबी का की गुनाह है दफन कर दिता था मेरा यह गुनाह है जेड़ा मैं हकीकत तो परदा उठा देना तो तुहानू हक दस देना मेरे वीरो अल्लाह मैनू तुहानू सब नू असल हकायक समझ के अमल की तौफीक ने फरमाए आंदा जी बाबजियां दा नबी फौत हो गया मेरा ही नहीं ये भंगड़े पाने बारह रबीउल अव्वल नू जलूस निकालने उदों पता चलता जो किसी का अपना घर का बाप फौत होया होवे ते गवांढी जलूस कढ़न ते आखण के मुहिब महबूब की मुलाकात का वक्त है इस वास्ते सानू खुशी है कि अज महबूब नाल मुलाकात होनी फिर पता चले ना ये मौलवी वास्ते पीर वास्ते बाप वास्ते अंदाज पसंद ना करे मुहम्मद की मौत से जो मर्जी करता फिर कोई पूछने वाला ही नहीं ना कोई वकील ना कोई जज ना कोई प्रोफेसर ना कोई लेक्चरार ना कोई परेदार ना कोई चौधरी ना कोई मोहल्लेदार नबी जिंदा है अच्छा जी फातिमा यतीम है लोगो खुदा वास्ते आ कुरान मेरे हाथ च तुहानू मैं समझाण वास्ते अल्लाह का वास्ता दे के कहना जरा तवज्जो नबी जिंदा है फातिमा यतीम है तुसी जो जिंदा इत्थे बैठे हो तुहानू भावें किड्डा हाजी किड्डी दाढ़ी वाला किड्डा मुतकी परहेजगार आके आखे हाजी साहब तुहाडी बेटी यतीम हो गई है तुहाडी बीवी बेवा हो गई है मन लो गए क्यों तुसी जिंदा हो जिंदा दी बेटी बेटा यतीम जिंदा दी बीवी बेवा नहीं होंदी नबी जिंदा भी है फातिमा यतीम भी है नबी जिंदा भी है ऐशा बेवा भी है नबी जिंदा भी है अबू बकर उमर उस्मान खलीफे भी बन गए नबी जिंदा भी है कबर भी बन गई तेरी खैर होवे पहरेदारा रो दे दी जाली जे नबी जिंदा तो रोजे की जाली बात तो तरले मानो आता है हो खा राहो बदारा दे डंडा उत्तर ठोक लैन दे ए जालियां नाल मुहब्बत है झुमदा जालियां फिरदा है मेरे वीरों वक्त नहीं कि मैं तेनों हकीकत अर्थ करना उस पुछो ये दिन तो सजदा फातिमा नूं पुछो जिदा अब्बू फौत हो गया अज तुहाडे तो किसी की बेटी का खामद फौत हो जाए ना ते दमाद की वफात ते जांदे हो पता जे बाप ते भाई जदो घर रखते ना पैर ते बेटी उठ के एक बारी बाप नाल लग के आंदी है बू मैं लुटी गई वीरों मैं उजड़ गई जदो ऐशा ते घर सदीक आया ऐशा बाप दे गले लग के की कहती फातिमा की कहती है हसनैन की कह रहे ने बिलाल मदीना ही छड़ गया है और नबी दी डाची सी 14 दिन बाद नबी दी जुदाई में फौत हो गई है मदीना सोगवार है दरखत करमा गए ने चांद सूरज शर्मा गए ने सितारे पे नूर हो गए थे आज मोहब्बत दुनिया तो चला गया है हसनो सैर रो रहे ने ये कहता है मोहब महबूब की मुलाकात का देने मजायका कोई नहीं इस माने का अबू बकर नू नहीं पता लगा रो रहा है उमर नू नहीं पता लगा हवास खो गया है सहाबा नू नबी दियां बीवियां नू नबी दी बेटी नू नवासियां नू नहीं पता लगा बिलाल मदीने ही छड़ के टुर गए ने तुहाडी नजर नहीं वेखण वाली मेरे वीरो साडी नहीं वेखण वाली उन्हां दी ते ऐसी ना
ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ, ਦਮਾਦਾਂ ਦੀ ਐਸੀ, ਉਹ ਨਵਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਸੀ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅਕੀਦਾ ਸਮਝੋ, ਅਕੀਦਾ ਸਮਝੋ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਬੇਅਦਬ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਗੁਸਤਾਖ ਕਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿੰਨਾ ਅਦਬ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਐਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਦਲੀਲ ਕੀ ਏ? ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਬਤ ਦਾ ਤਕਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੱਵਰ ਖੈਂਚ ਵੋ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਸਮੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਫਰਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਗਿਰਦਰ ਚੁਕਾਈ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਜਦਾ ਫਾਤਮਾ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਫਾਤਮਾ ਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਅਨਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਫ ਤਾਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਯਾ ਅਨਸੋ ਅਤਾਬਤ ਅਨਫੁਸਕੁਮ ਅਨ ਤਹਸੁਤਰਾਬ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਲ੍ਲਾ। ਬੇਅਨਸ ਬਲਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਬੇਅਨਸ ਬਲਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ? ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਛਪਾਏ? ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਮੋਣੇ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖ ਜਾਵੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਸੌ ਪਾਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਗਿਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਛਪਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਥੀ ਅੱਖੀ ਨੀਰ ਵਹਾਵਨ, ਹੋ ਲਚਾਰ ਤਮਾਮੀ ਅਗੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਵਨ। ਸਿਆਪਾ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਾਡੇ, ਵਰਤ ਗਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਹੋਸ਼ ਆਵਾਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਾ ਮਈਤੋਂ ਵੈਨਾ ਮਈਤੋਂ, ਮੌਤ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵਲਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਵਲਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ
ते पहले टाइम बच्चा किसी के घर पैदा हो बे, दूसरे टाइम ते वो फौत हो जाए उस दिन ही, ते साल बाद उस बच्चे की वलादत की खुशी करोगे? जदों खुशी ते गम दोनों इकट्ठे हो जाते ने, खुशी दे उत्ते गम गालब आ जाता है फितरत। अगर वलादत भी इसे दिन मनी जाए, वफात भी इसे दिन ही मनी जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत भी उस दिन होए, तो पैदा भी उस दिन ही होए। तो लोग कहते हैं जे बच्चा पैदा हो के फौत हो जाए उस दिन, तो आते हैं या अल्लाह तू ये खुशी ना ही विखा दो। क्यों भाई, जे खुशी विखाई दी तो गम ना विखा दो? फरमाया वीरो, फिर भी फितरती तौर पर खुशी मनानी इस दिन बनती नहीं। अल्लाह ताला मैनू तुहानू सबनू असल हकीकत हक न समझ के अमल की तौफीक ने फरमाया। आखिर दावना अलहम्दुलिल्लाह।